अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अमीश और आप देख रहे हैं लाइव विद अमीश यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं जी घूमने के लिए। देखें जिनाह क्यों नहीं जाते हैं, इकबाल स्टूडियो वाली साइड पर जाते हैं। अगर इकबाल स्टूडियो वाली साइड पर गए तो उधर से फेमस फ्रूट शॉट खाएंगे हम लोग। तो चले यहाँ चलते हैं। ये देखो जी, ये मेरा दोस्त खड़ा है, ये अंधेरे में नजर नहीं आ रहा है। तो ये इसके घर के पास सामने पा रहा है कि ये इस टाइम अंधेरा, ज़रा व्यू अच्छा नहीं आ रहा है। तो जी ये बाइक हमारी खड़ी है, ये देखें ये वाली बाइक पर हमने जाना है। तो चले यार जी चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे रास्ते में मिलते हैं। तो जी हम लोग ये जनाह कलोनी पहुंच चुके हैं। ये सामने आइडियल बेकरी है। तो अभी हम लोग इकबाल स्टेडियम वाली साइड पर जा रहे हैं। ये देखें ये रोड सीधा इकबाल स्टेडियम में जाना है। ये सामने सारे ब्रांड वगैरह है। ये इधर वाली साइड पर वो है जी सी यूनिवर्सिटी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। तो चले यार जी चलते हैं, आपको आगे जाके मिलते हैं जब हम थोड़ा सा पास पहुंच जाएंगे इकबाल स्टेडियम के। सारा खुल चुका है तो अभी हम लोग जा रहे हैं। ये टोटल पार्कों का पंप है तो हम लगा ने इधर से टर्न ले लेना है। ये देखो तो ये वाले रोड हम लोगों ने अब जेल रोड वाली साइड को जाना है। तो ये देखे जा रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग जेल रोड वाली साइड को पहुँच चुके हैं। तो ये देखे जी हम लोग फोटो जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ, तो ये भी ब्लॉग बना रहा है अपना साथ साथ। तो इसके चैनल को भी जाकर ब्लॉग चेक करना ज़रूर, अच्छे ब्लॉग बनाता है ये भी। इसके चैनल का नाम है सैयद उस्मान ब्लॉग। तो ये अभी हम लोग जेल रोड वाली साइड को पहुँच गए हैं। तो जी अभी मैं एग्रीकल्चर की दूसरी साइड पर आ गए हुए हैं। तो हम लोगों ने इधर से टर्न लेना है तो इकबाल स्टेडियम वाली साइड को चल देंगे हम लोग। तो ये सामने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये मैंने इधर से टर्न लेके तो सीधा जाना है। ये कचहरी भी, कचहरियाँ भी आ गए सारी, सारे वकील वगैरह इधर ही होते हैं। तो मैं आपको अब आगे जाके मिलता हूँ जब थोड़ा सा पास पहुँचते हैं इकबाल स्टेडियम के, क्योंकि इधर रश बहुत है। ये सारे चनाब क्लब है, ये सारा इस टाइम फोकस नहीं हो रहा है। ये सारी चनाब बाग है, ये कॉफी रोड है चनाब बाग वाला। ये सारा चनाब बाग है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इकबाल स्टेडियम। चनाब बाग का गेट है, ये देखे बना हुआ झंडा। ये देखे अब हम लोग पहुंचने वाले हैं बस इकबाल स्टेडियम। ये साइड पे सरीना होटल भी आ गया। ये बस सरीना होटल आ गया। ये देखे तो अब हम लोग ये इशारे पे आ गए हैं। ये वाला इधर स्टैंड लाइट नहीं जा रही है। तो अब अंदर जा रहे हैं। ये देखे ये सारा इकबाल स्टेडियम है। इकबाल स्टेडियम के पास खड़े हैं, सारा इकबाल स्टेडियम है। ये देखे अंधेरे में अच्छी तरह नजर नहीं आ रहा है। किसी दिन सुबह आएंगे हम लोग, सुबह वाला भी ब्लॉग बनाएंगे आपके साथ। ये देखे और वो सामने फनलैंड भी है तीन बार के साथ ही। ये सारा एक बार स्टेडियम है साइड पे। अब हम लोगों ने खाने हैं गोलगप्पे। तो गोलगप्पे कोई अच्छा सा कार्ड देख रहे हैं, गोलगप्पे वाला सेटअप जहाँ पे लगे हुए हैं सारे कार्ड, तो वहाँ पे जाके दिखाते हैं। तो जी अभी हम लोग फनलैंड के बाहर खड़े हैं। तो गोलगप्पे वाला कार्ड ढूंढ रहे हैं हम लोग, क्योंकि गोलगप्पे खाने हैं इधर
पासीरियों के ना सुना है कि गोलगप्पे बहुत फेमस है, तो गोलगप्पे ट्राई करते हैं, कैसे कि हैं जी। अभी हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए आए हैं, तो ये देखे जी ये फूड कार्ट है आइडियल गोलगप्पे, ये बिल्कुल सामने है डॉटर कैफे के, और ये साथ में एक और शॉप ओपनिंग होने वाली है थोड़ी देर में, तो ये इसका भी नाम नहीं उन्होंने लिखा हुआ, तो चले आए जी गोलगप्पे ट्राई करते हैं, कैसे कि यार आपको दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो अंकल से बात करते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं इधर, चले आए। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल ये आप गोलगप्पे वाला काम कब से कर रहे हैं इधर? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 25-26 साल हो गए। तो ये कितने की गोलगप्पे की प्लेट है? 150 की प्लेट है बेटा। 150 की है, 12 पीस होते हैं। चले आप एक प्लेट कर दिएगा। तो ये देखें जी अभी गोलगप्पे बनने लगे हैं हमारे, ये देखें, ये मैं साइड पे आ गया हूँ, ये देखें। ये देखें अंकल आप ऊपर प्याज वगैरह डाल रहे हैं सीधे, ये चने वगैरह भी है, मसाला भी है, ये दो तरह के मसाले डाले हैं अंकल ने, मिर्चे वगैरह भी डाल रहे हैं। तो ये अब इमली की चटनी डालने लगे हैं अंकल। बहुत ही यमी लग रही है। अभी ये दही डाल रहे हैं, मिंट वाला दही, ये देखो ये प्लेट हमारी रेडी हो गई है, चले यहाँ दिखाता हूँ मैं आप। गोलगप्पे बहुत ही मजे के हैं, खट्टा भी बहुत मजे का, ज़्यादा मिर्चे नहीं है खट्टे में, अगर आप कह रहे करवा सकते हैं ज़्यादा मिर्चे, लेकिन बस ये बेस्ट है खट्टा, जब भी आए जरूर ट्राई करिएगा आप, मिर्ची आपको खाना। अंकल का फूड कार्ट का नाम है आइडियल गोलगप्पे, ये 26 साल से काम कर रहे हैं अंकल का, आपको नाम भी बता दूँगा, जब भी आए अंकल जी खाइएगा गोलगप्पे बहुत ही मजे के हैं, तो मैं खा लूँ पहले अब, तो फिर जब भी मैं अंकल का आपको नाम पूछ के बता देता हूँ, अंकल का नाम क्या है? अंकल आपका नाम क्या है बता दिएगा जरा व्यूअर्स को। हाजी फैसल। हाजी? हाजी फैसल। हाजी फैसल नाम है इनका, इनके कार्ड का नाम है आइडियल गोलगप्पे, टोटल कैफे के बिल्कुल सामने है, जब भी आइएगा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के थे। तो अंकल से पैसे पूछ लेते हैं, अंकल कितने पैसे? 150 हो गए। 150? हाँ जी। तो जी गोलगप्पे हमने खा लिए हैं, तो पेट फूल हो गया है, घर से भी खाना खा के आए थे तो भूख अब ख़त्म हो गई है, जल्दी लगी है, सारी फिनिश हो गई है, गोलगप्पे बहुत ही मज़े के थे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हुआ था लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर करना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि न्यू वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिले। शुक्रिया।